अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मॉस्फेट और IGFET। ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि FETs दो तरह के होते हैं, JFET, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसको हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया। ठीक है, अब आज हमने पढ़ना है दूसरी टाइप, मॉस्फेट और IGFET। ठीक है, मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अच्छा, इसको शुरू करवाने से पहले ना ये ऊपर का टॉपिक देखें, मैंने आपको FETs दो तरह के होते हैं, JFETs एंड MOSFETs और IGFET। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन एक दो दफा 5 नंबर का आ गया कि एडवांटेजेस ऑफ FETs या किसी में यूजेज ऑफ FETs। तो आगे पेजेस पे यूजेज ऑफ FETs भी दिए हुए हैं, आपने ये याद करना है पहली बात। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया कि आज हमने मॉस्फेट पढ़ना है, तो बजाय इसके कि पहले हम उसकी दो टाइप होती हैं, डी टाइप एंड डी मॉस्फेट और ई मॉस्फेट, वो हम बाद में पढ़ते हैं, इससे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं कि होता क्या है। तो अब इसमें ये है कि एक जैसे पी टाइप सबस्ट्रेट ले लिया, ये इसने सबस्ट्रेट लगाया हुआ है, ये जो रेड रेड है ना, ये मेटल कनेक्शन है। ठीक है, और अब उसमें उसी तरह दो एन टाइप डोपिंग्स कर ली, ठीक हो गया। उसके बाद ये सबस्ट्रेट एस है, ये सोर्स है, ये ड्रेन है। अब आप देखो सबके साथ मेटल कनेक्शन डायरेक्ट लगा हुआ है, लेकिन ये जो गेट है ना, इसके मेटल कनेक्शन के और सबस्ट्रेट के दरमियान में एस सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर लगी हुई है। ठीक है, और सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है वो एक इंसुलेटर होता है, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो नोन एज इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब इस वक्त आपको उसने बेस इसके 4 टर्मिनल बना के दिखाए हैं। ठीक है, लेकिन असल जो है ना, जब हम इसको स्टडी करेंगे तो 3 टर्मिनल लगे होते हैं। उसका ये होता है कि ये जो सबस्ट्रेट और सोर्स को इंटरनली कनेक्ट करके एक टर्मिनल बनाया होता है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि इसने यहाँ क्या लिखा है, उसको हम पढ़ लेते हैं। लाइक जीएफईटी गेट एंड इट हैज सोर्स गेट एंड ड्रेन, इट्स गेट इज इंसुलेटेड फ्रॉम इट्स कंडक्टिंग चैनल बाय एन अल्ट्रा थिन मेटल ऑक्साइड इंसुलेटिंग फिल्म यूजुअली ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2। बिकॉज ऑफ दिस इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी मॉस्फेट अल्टरनेटिवली नोन एज इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर IGFET और IGT। हेयर ऑल्सो गेट वोल्टेज कंट्रोल्स ड्रेन करंट, बट मेन डिफरेंस, अब BJT जो सॉरी BJT नहीं JFET जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का और मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का मेन डिफरेंस देखें क्या है। सॉरी, द मेन डिफरेंस बिटवीन JFET एंड MOSFET इज दैट इन द लेटर केस, यानी MOSFET के केस में, वी कैन अप्लाई बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वोल्टेजेस टू द गेट बिकॉज इट इज इंसुलेटेड फ्रॉम द चैनल। अगर आपको याद हो तो JFET में हमने कहा था कि गेट जो है वो हमेशा नेगेटिव होगा, रिवर्स वाइस होगा। ठीक है, एक ये डिफरेंस हो गया कि इसके गेट को हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दे सकते हैं। दूसरा जो है डिफरेंस, द गेट SiO2 इंसुलेटर एंड द चैनल, यानी गेट SiO2 एंड चैनल मेक्स ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फॉर्म ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अनलाइक JFET, ए डी मॉस्फेट हैज ओनली वन पी रीजन और एन रीजन कॉल्ड सबस्ट्रेट। ठीक है, नॉर्मली इट इज शॉर्टेड टू द सोर्स इंटरनली। यही वो कह रहा है कि ये अभी मैंने आपको बताया ना कि जब आप JFET को सर्किट में लगाओगे तो 4 की जगह 3 ही टर्मिनल होंगे, तो ये जो सबस्ट्रेट वाला टर्मिनल है ना, इसे सोर्स से कनेक्ट किया होता है। यहाँ तक आ गया इसकी कंस्ट्रक्शन। अब हम वापस चलते हैं, अभी जो मैं आपको बता रही थी, इधर आइए, के दो टाइप के
मॉस्फेट होते हैं डिप्लेशन इनहांसमेंट, डिप्लीशन इनहांसमेंट मॉस्फेट और डी मॉस्फेट, ठीक है, और एनहांसमेंट ओनली। तो इसका डिफरेंस देख लेते हैं। डिप्लीशन एनहांसमेंट मॉस्फेट और डी मॉस्फेट, दिस मॉस्फेट इज कॉल्ड बिकॉज इट कैन बी ऑपरेटेड बोथ इन डिप्लीशन मोड और एंड एनहांसमेंट मोड बाय चेंजिंग द पोलैरिटी ऑफ वीजीएस। सारे जो एफईडी है उसको वीजीएस गेट टू सोर्स वोल्टेज ही कंट्रोल करती है ना, ठीक है। तो इसमें वीजीएस को की पोलैरिटी चेंज करके हम उसे एनहांसमेंट मोड में ऑपरेट करा सकते हैं या डी एनहांसमेंट मोड में, डिप्लेशन एनहांसमेंट मोड में करा सकते हैं, ठीक है। सो हाउ एवर विद पॉजिटिव गेट वोल्टेज इट ऑपरेट्स इन दी एनहांसमेंट रीजन, यानी इसको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वीजीएस के साथ करा सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव के साथ ये एनहांसमेंट मोड में वर्क करेगा। सिंस ए चैनल एग्जिस्ट बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स, आईडी फ्लोस इवन व्हेन वीजीएस इज इक्वल टू जीरो। ये सारी चीजें अब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए मैं इन्हें फर्दर एक्सप्लेन नहीं कर रही, वरना वो आपकी वीडियो लंबी हो जाएगी। दैट इज व्हाई डी मॉस्फेट इज नोन एज नॉर्मली ऑन मॉस्फेट। यानी आपने इसमें क्या क्या लिखना है कि ये डिप्लेशन मोड और एनहांसमेंट मोड दोनों में काम करता है। अगर वीजीएस पॉजिटिव होगी तो ये ऑपरेट करेगा एनहांसमेंट मोड में। दूसरी बात ये है कि ये जो है इसका इसको ऑन मॉस्फेट भी कहते हैं। ये हो गया। अब फिर दोबारा उसी पेज पे आ जाएं जो अभी हम पढ़ रहे थे। ये देखिए इधर ये पेज है, ठीक है, यहाँ पे आ जाए। ये आपका आर्टिकल है, जो भी मैं आपको पेज पढ़ा रही थी इस पर देखिए, यहाँ पे ये है एनहांसमेंट ओनली मॉस्फेट। अभी हमने डिप्लीशन एनहांसमेंट दोनों पढ़े और हमने कहा कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वीजीएस उसमें दे सकते हैं और उसको ऑन मॉस्फेट कहते हैं। लेकिन एनहांसमेंट मॉस्फेट ओनली, एज द नेम इंडिकेट्स, दिस मॉस्फेट ऑपरेट्स ओनली इन द एनहांसमेंट मोड एंड हैज नो डिप्लीशन मोड। इट वर्क्स विद लार्ज वैल्यूज ऑफ वीजीएस ओनली, यानी पॉजिटिव वीजीएस के साथ। इट डिफर्स इन कंस्ट्रक्शन फ्रॉम द डी मॉस्फेट। अब इसकी और डी मॉस्फेट की कंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस है? इट डिफर्स इन कंस्ट्रक्शन फ्रॉम द डी मॉस्फेट इन दैट स्ट्रक्चरली दैट देयर एग्जिस्ट नो चैनल बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स। हेंस इट डज नॉट कंडक्ट व्हेन वीजीएस इज इक्वल टू जीरो, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ऑफ मॉस्फेट, ठीक है। इन अ डी मॉस्फेट आईडी फ्लोस, जो दूसरा मॉस्फेट है जो डिप्लीशन इनहांसमेंट है जिसमें वीजीएस नेगेटिव पॉजिटिव दोनों दे सकते हैं, आईडी फ्लोस व्हेन इवन व्हेन वीजीएस इज इक्वल टू जीरो। इट ऑपरेट्स इन डिप्लीशन मोड विद नेगेटिव वैल्यूज ऑफ वीजीएस। एज वीजीएस इज मेड मोर एंड मोर नेगेटिव, आईडी डिक्रीजेस टिल इट सीजेस दैट वीजीएस इज इक्वल टू वीजीएस ऑफ। इट वर्क्स इन एनहांसमेंट मोड व्हेन वीजीएस इज पॉजिटिव, ठीक है। ये तो डी मॉस्फेट था ना। अब ई मॉस्फेट क्या है? इन द केस ऑफ ई ओनली मॉस्फेट आईडी फ्लोज ओनली व्हेन वीजीएस एक्सीड्स वीजीएस टीएच। वीजीएस टीएच होती है गेट टू सोर्स थ्रेशोल्ड वोल्टेज। गेट टू सोर्स थ्रेशोल्ड वोल्टेज वो होती है कि हम इतनी वोल्टेज सप्लाई कर दें कि ये जो एफईडी है इसका एक्टिव रीजन स्टार्ट हो जाए, यानी वो ऑपरेट करना शुरू कर दे, ठीक है गर्ल्स। बाकी हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।